प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, यह हमारा आज का वीडियो थंबनेल आपने देखा होगा। थंबनेल देखा है तो बिल्कुल सही देखा है। वीडियो हमारा श्रावण को लेकर है। श्रावण का जो महीना है वो अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इस महीने को भगवान शिव से जोड़ा जाता है। पूरे महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनोवांछित जो लाभ है, फल है, वो आपको मिल उसकी प्राप्ति होती है। स्वर्ण महीने को भी खास बनाने के लिए आप शिव जी की जो प्रार्थना है वो अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर इस महीने में आप शिव जी को याद करते हैं, उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस बार जानकारी के लिए बता दूं कि श्रावण का महीना 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें कई लोग पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और उन्हें रिझाते हैं। अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वो आप समय पर करते हैं तो आप ये मानो कि भगवान शिव आपसे खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाएँ जो जो है वो पूर्ण करेंगे और बहुत ही जल्द आपको आपके अनुसार जो लाभ है वो मिलेगा। सावन के महीने में भगवान शिव को भस्म अर्पित कर सकते हैं। इससे जो शिव की कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। रुद्राक्ष को घर में लाकर मुखिया के कमरे में रखें। इससे आपका आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। गंगा जल को घर लाकर रसोई में रखें। इससे आप संपन्न रहेंगे और सफलता मिलेगी। घर के आले में चांदी या तांबे का त्रिशूल रखने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म होती है। इसे भी आप घर ला सकते हैं। घर में चांदी या तांबे का नाग नागिन लेकर आएं और उसे मुख्य द्वार में गाड़ दें। इससे आपके जो काम हैं वो बनेंगे। अगर घर में डमरू रखने से नकारात्मक जो ऊर्जा है वो भी समाप्त होती है और इसे बच्चों के कमरे में रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है, अच्छा होता है। जल से भरा तांबे का लोटा अगर आप रखते हैं जहाँ पर घर के लोग ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपस में प्रेम और विश्वास जो है वो बना रहता है, लेकिन उसका पानी साथ ही बदलते रहें। घर के तिजोरी में चांदी के नंदी रखने से धन की कमी नहीं होती है। आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती है और आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है, आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है। इसके अलावा सावन में आप रोज़ 21 बिलोपत्रों से चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज़ सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गूगल धूप से प्रार्थना करें। यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो रोज़ शिवलिंग पर केसर का दूध चढ़ाएं। इससे जल्द ही विवाह के जो योग हैं वो आपके बनेंगे। सावन में जो चारा जो है वो आपको खिलाना चाहिए, नंदी को, बेल को। इससे जीवन में सुख समृद्धि जो है वो आती है और प्रसन्नता मिलती है। सावन में गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी जो अन्न की कमी है वो नहीं होगी तथा पितरों को आत्मा की शांति मिलेगी। पानी में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जो जाप है वो करें। इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। मन में भगवान शिव जी का ध्यान करते रहें। इससे धन लाभ के जो पूरे पूरे योग हैं वो बनते हैं। श्रावण मास में ये वस्तुएं अगर आप घर में लाते हैं और करते हैं तो आपका जो सपना है वो पूरे तरीके से साकार हो सकता है। लोटे में पानी घर का वह स्थान जहाँ घर के सदस्य समय बिताते हैं, अगर ये करते हैं आप तो उनमें विश्वास बढ़ता है और घर में खुशहाली का जो माहौल है वो कहने का मतलब ज़्यादा स्थापित होता है। अगर भगवान शिव की परम प्रिय वस्तु में से एक है भस्म, अगर इसे घर के मंदिर में उनके स्वरूप के साथ आप स्थापित करते हैं तो उससे भी जो भगवान शिव हैं और जो पार्वती जी हैं वो दोनों ही खुश होते हैं और आपके फलस्वरूप आपको जो फल है वो मिलता है। सारी कष्ट, दिक्कतें, परेशानियाँ आपके दूर होते हैं। गंगा जल रसोई घर में
गंगा जल रखें। प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर तुलसी पत्र डालकर इसे छिड़काव करें। इससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। रुद्राक्ष रुद्राक्ष वृक्ष को फल दोनों ही पूजनीय हैं। मानव के अनेक रोग शोक बाधा नष्ट करने की शक्ति रुद्राक्ष में होती है। इसके उपयोग से पहले रुद्राक्ष को विधि विधान से अभिमंत्रित करें, फिर इसका उपयोग किया जाता है। रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने से वह अपार गुणशाली हो जाता है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष से मानव शरीर का प्राण तत्व अथवा विद्युत शक्ति नियमित होती है। सावन के महीने में किसी भी दिन इसके घर में लाकर मुखिया के शयन कक्ष में रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है और आपके जितने भी कष्ट परेशानियाँ दिक्कतें जो आपके जीवन में चली आ रही हैं, काफ़ी समय से बाधाएँ आ रही हैं, कोई काम आपका रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, जिसे आप काफ़ी समय से करना चाह रहे हैं परंतु बात बन नहीं पा रही है, तो रुद्राक्ष से और नाग नागिन के जोड़े से डमरू से आप उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, उस नकारात्मक शक्ति को दूर कर सकते हैं। आपकी प्रगति में अगर बाधा बन रही है तो वो बाधाएँ भी दूर हो सकती हैं। सावन के सोमवार में अगर आप ये कार्य करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि चारों के चारों सोमवार ये मानो कि भगवान शिव को खुश रखते हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं और ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, अगर ये आप ये समय पर करते हैं तो आपकी सभी परेशानियाँ सभी बाधाएँ दूर हो सकती हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर से आप सभी से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ हो।